जरूरी नहीं कि लोग जो हैं वही फॉलो करेंगे जो सरकार चाहती है। एक तरह से यहाँ पे लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे लोगों की सुनी नहीं जाती, लोगों को पिटवा के उनके ऊपर एक्ट थोप दिए जाते हैं, ऐसा संविधान लागू कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर दे देता है। यहाँ पे प्रदर्शन में आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं और क्या आपका नाम? जी हम पंजाब से आए हैं और मेरा नाम कोमल है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के प्रोटेस्ट जो हो रहा है, इसके एजेंडे के बारे में आपको पता है? जी हम ये कहना चाहते हैं कि जेएनयू के जो छात्र हैं वो सिर्फ अकेले नहीं है, पंजाब वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, और जब तक खड़े रहेंगे जब तक ये मोदी के फिरकू जो हैं हमले ख़त्म नहीं हो जाते। और एबीवीपी की जो गुंडागर्दी यहाँ पे हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, जो उन्होंने पूरी तरह से दहशत की है, हम उसके जरासर खिलाफ हैं। और ये मांग करते हैं कि जो विद्यार्थियों के ऊपर इस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं वो बंद किए जाएं और हमें भी एक तरह से आज़ादी दी जाए पढ़ने की, लिखने की और कुछ करके दिखाने की। जो स्टूडेंट मतलब आप कह रहे हो, अगर मान लेते हैं पत्थरबाजी हो भी गई, जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो टॉयलेट में हैं, पुलिस ने जाकर उन पर भी हमला किया है, हम पूछना चाहते हैं कि अगर पत्थरबाजी हुई है, जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्या वो पत्थरबाजी कर रहे थे? अगर पत्थरबाजी हुई है तो कोई मतलब प्रूफ तो होगा, उनके पास कोई वीडियो होगा, कोई ऐसा मतलब कोई प्रूफ तो होगा जिसके तौर पर उसने लाठी चार्ज किया है। और रही बात है CAA की, जो कि हमें संविधान का राइट है कि हम किसी के भी ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी प्रोटेस्ट किया भी नहीं था, उसके पहले ही पुलिस ने आकर मतलब कैसे बुरी तरह से विद्यार्थी को पीटा और लाइब्रेरी में अंदर जाकर पीटा। क्या लगता है कि जो ये CAA का प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, ये प्रदर्शन क्या सरकार तक मैसेज देगा कि इसको वापसी कर ले? जी बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया ईमानदारी से अपना काम करे तो बिल्कुल देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे तक सिर्फ वही खबरें पहुंचाई जाती हैं कटिंग करके जो सरकार के हक में जाती हैं। इसलिए हम मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपने देश के जो लोग हैं उनके साथ खड़े और सच का ही साथ दे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उन लोगों की नहीं है, ना सिर्फ मुस्लिम लोगों की है, ना सिर्फ JNU या जामिया के विद्यार्थियों की है, बल्कि हर एक नागरिक की बनती है और सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सरकार ये कह रही है कि किसी भी छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है, जबकि भारत के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम ला रहे हैं इसमें किसी की नागरिकता हम ले ही नहीं रहे। अगर ऐसी बात है तो फिर सरकार ऐसी बातें अफवाहें क्यों फैला रही है? हम मुस्लिम लोगों को हिंदू लोगों को इस तरह से क्यों अलग कर रही हैं? एक तरह से हिंसा भड़का रही हैं। कभी APVP के गुंडे छोड़ देते हैं या कुछ किसी को पिटवा देते हैं अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि लोग जो हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, और सरकार भी ये कहना चाहती है कि लोग जो हैं इसके खिलाफ ना बढ़के, तो सरकार को भी कोई हक नहीं बनता उनके ऊपर जुल्म करने का, उनको गुंडों से पिटवाने का। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कानून बन चुका है, अब कानून बन चुका है, तो इस कानून का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या नहीं लगता कि सरकार के बहुत सारे कायदे कानून हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे? जी असल में बात ये है कि सरकार, ये जरूरी नहीं कि लोग जो हैं वही फॉलो करेंगे जो सरकार चाहती है। एक तरह से यहाँ पे लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे लोगों की सुनी नहीं जाती, लोगों को पिटवा के उनके ऊपर एक्ट थोप दिए जाते हैं, ऐसा संविधान लागू कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर दे देता है। अभी पिछले दिनों पंजाब की ही बात ले लीजिए, मंजीत धनेर को एक निहक्के उम्र कैद की सजा दी गई थी, और लोगों ने जो है अपनी एकता के बल पर ये साबित करके दिखाया था कि जब लोग उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी बदला जा सकता है। देश के तमाम नौजवान छात्र सड़कों पे आ जाएगा तो तब भी क्या CAA वापस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर लोग डटे रहें, अपनी हिम्मत के साथ डटे रहें तो जरूर हो सकता है।